नमस्कार, मैं हूं सकरवार सुमंत और आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24। जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र के अति प्राचीनतम सेवराई गढ़ी ग्राम रामलीला समिति सेवराई के प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की को शनिवार की वैदिक विधि विधान के साथ हवन कुंड पर आहुति देकर विद्वान पंडितों द्वारा पूर्णाहुति किया गया। मौके पर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह भी आरती व यज्ञ कुंड पर एक भक्त की बात आहुति दिया। वही श्रद्धालुओं द्वारा व्यास पीठ पर अपनी आस्था के अनुसार चढ़ावा भी चढ़ाया गया। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने स्वामी अनंतानंद सरस्वती सहित सभी संतों को अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। इससे पूर्व भागवत कथा के अंतिम दिन शुक्रवार की रात अनंतानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि सत्संग ही एकमात्र मोक्ष प्राप्ति का साधन है। लोक कल्याण की भावना से कथा सुनने वाले लोगों को मोक्ष की गति की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया, भगवान की कृपा सच्चे दिल से आस्था के साथ भागवत भजन करने वाले भक्तों के ऊपर हमेशा बनी रहती है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उन्हें किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती। वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जिस स्थान पर होती है वहाँ भगवान की विशेष कृपा होती है। श्री अनंतानंद सरस्वती जी ने अहंकार पिकंस के वध सहित श्रीकृष्ण सुदामा की दोस्ती के कथा का विस्तार से बताया। पूर्णाहुति पंडित निर्मल पांडे और धनंजय पांडे द्वारा कराया गया। वही संतों में स्वामी ओंकारानंद सरस्वती और लखनऊ, स्वामी धर्मेशानंद सरस्वती हिमाचल प्रदेश, स्वामी चिन्मय श्रद्धानंद सरस्वती जी वृंदावन तथा स्वामी रामानंद सरस्वती जी लखनऊ से पधारे हुए थे। श्री श्री 108 अनंतानंद सरस्वती जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या करते हुए उसके महात्म के बारे में क्या बताया, आइए आप भी सुने। जैसे कि हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत महापुराण की एक अतुल्य महिमा है। जो भी ये मनुष्य का जीवन है उसमें अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते सुनाते हैं। मुख्य रूप से इसका जो सबसे सर्वोत्तम लाभ है वो है मनुष्य का आध्यात्मिक लाभ, कि उसको सद्गुणों की प्राप्ति होती है, उसका पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जो भी जीवन है वो उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। फिर इसका एक दैविक लाभ है कि लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो भी हमारे पितृगण हैं, जिनकी कृपा हमको प्राप्त हुई है, जिन देवताओं की कृपा हम पर प्राप्त हुई है और जो ऋषियों की कृपा हम पर प्राप्त हुई है, उन सारे कृपाओं का एक हम पर एक ऋण है। उन ऋण को चुकाने के लिए सर्वोत्तम एक उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करना। इसके द्वारा हमारे जो देवताओं के प्रति ऋण है, देव पूजा के अनुष्ठान द्वारा देवताओं के ऋण होते हैं। जो पितरों की हम पर कृपा है, पितरों की भी तृप्ति होती है। और ऐसी भागवत जी की मान्यता है कि जो भी अपने पितरों के निमित्त इस कथा का श्रवण करता है उसके पितर परम तृप्त हो जाते हैं और वो आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। तीसरा कहा ऋषियों की हम पर जो ऋण है कि ये जो अनवरत ज्ञान की परंपरा है ये इस अनुष्ठान के द्वारा परंपरा आगे चलती रहती है। और इसका एक जो भौतिक लाभ ये है कि जो कोई श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में रहता है, इसी कथा का पठन पाठन श्रवण करता है, उसके जीवन में भागवत भगवान की कृपा से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, उसको हर प्रकार की सुख समृद्धि उसको प्राप्त होती है। यही श्रीमद् भागवत महापुराण का मुख्य रूप से महत्व है, जिसमें आज के समय बड़ी ही ये कथाएं प्रचलित हैं, जिससे पूरे मानव जगत का कल्याण हो। आइए यज्ञ पूर्णाहुति का कुछ लाइव वीडियो देखते हैं। Thank you.
पीपी न्यूज 24 से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब